हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रिक में। आज दोस्तों जो हमने सामान्य ज्ञान की 5000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है उसका पार्ट नंबर 9 आपके सामने लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक से वह देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम हर पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वहां से सीखने को मिले। और दोस्तों साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है दोस्तों, H2O के 10 अणु है तो इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, पैटोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पैटोजेनेसिस के अंदर मृदा निर्माण का या फॉल फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो दोस्तों हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो दोस्तों किडनी या वृक्ष से नेफ्रोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यह वैज्ञानिक था कार्ल वॉन फ्रिस्ट। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैलोमेल का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों मर्क्यूरियस क्लोराइड कैलेवन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? दोस्तों निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन क्रायोजेनिक्स विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? दोस्तों हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है और यह लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों कवक या फंगस से प्रतिजैविक पेंसिलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो दोस्तों परमाणु घड़ी पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, साधारण तथा किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, किन तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन संभव है? तो दोस्तों ध्रुवण केवल अनुपस्थित तरंगों का संभव है। नेक्स्ट है दोस्तों, थायमिन कौन सा विटामिन है? तो दोस्तों विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्कैप्टन का प्रयोग किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसके प्लैन वेग एस्टोप वेलोसिटी से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो दोस्तों अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने का संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एनिमल जो है वो मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त भी आता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों
धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचने के लिए एंटोटॉक्सिन सीरम यानी कि ATS लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल H2O से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह जनक रहे हैं? तो दोस्तों यह है डॉक्टर NE वॉरलॉग, नूरमोन अर्नेस्ट वॉरलॉग, मैक्सिको से। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2009 में 95 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल के संघटक तत्व हैं? तो दोस्तों तांबा, टीन और जस्ता गन मेटल के संघटक तत्व हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाई जाती है? तो RBC में हीमोग्लोबिन पाई जाती है यानी कि रेड ब्लड सेल में, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि दोस्तों वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता यानी कि पिगमेंट शीतल जल में नहीं घुलते इसलिए रंग नहीं छूटता। ठीक है दोस्तों आप यह सब हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी GK ट्रिक में देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों यह थी फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? तो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता से कमी होने से श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो दोस्तों रेपलिसिया पौधे का सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार होता है दोस्तों 20। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतल पेयों अचार एवं मुरब्बों का परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है होलोग्राफी। ठीक है दोस्तों, यह उल्टे में पूछ लेता है होलोग्राफी किस विधि से करते हैं? तो लेजर बीम की सहायता से। ठीक है दोस्तों, 3D से। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में लगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करता है उसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं NPV यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों यह नियम प्रतिपादित करने वाले थे मोस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पुरुषों में हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, फैदोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान यानी कि कैजरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है जोधपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, मंदक का काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियो के मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका लाइक रहेगा दोस्तों, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और आगे नई सिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।